हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 डायोड थ्योरी एंड एप्लीकेशन से शुरुआत कर दी है। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो आज इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। So, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स बायस, किसका? पीएन जंक्शन डायोड का, जो कि एक बार पूछा जा चुका है। अब ये जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है उसमें ये डिफ्यूजन करंट से लेके ये बायसिंग तक कहानी सेम रहने वाली है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी हुई है। अब जिस बच्चे को यहां से लेके यहां तक की कहानी अच्छे से पता है वो ये पार्ट को स्किप करके सीधा यहां से वीडियो की शुरुआत कर सकता है। अगर ये बातें नहीं मालूम तो जल्दी से हम इसका रिवीजन भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कौन सी चीजें लिखनी है आपको। तो सबसे पहले तो डायोड यानी क्या, कि अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कनेक्ट करते हो तब जो हमारी डिवाइस बनती है उसे हम डायोड बोल देते हैं, ठीक है। और बाद में जो भी बाउंड्री होती है जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेपरेट करती है उसे हम पीएन जंक्शन बोल देते हैं। यानी ये पीएन जंक्शन हो गया, दोनों को कनेक्ट किया, डायोड बन गया, यानी इसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। अब जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि ये जो हमारा जंक्शन है पीएन जंक्शन, उसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप के फर्स्ट लाइन के और पी टाइप के जो होल है जो फर्स्ट लाइन में है, वो दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसके कारण ये एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को क्रॉस करके होल के साथ डिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरीके से सारे जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी रहेंगे नहीं, यानी न्यूट्रल बन जाएंगे, जिससे करके यहां पे हमें एक ऐसी कुछ लेयर बनेगी। और ये लेयर में क्या होगा, ये लेयर में होंगे शॉर्टेज ऑफ चार्ज, यानी न्यूट्रल चीजें रहेगी, चार्ज है नहीं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज है। अच्छा, अब यहां पे दूसरी चीज हमें समझनी है कौन सी, कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तब इसकी कुछ मोमेंटरी मोशन होगी, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो करंट बनाता है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन मोमेंटरी मोशन है, तो ये मोमेंटरी मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक करंट बनाएगा जिसे हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। अब ये डिफ्यूजन करंट बहुत ही निग्लिजिबल है, और जो हमारा मेन करंट है उसमें ये डिफ्यूजन करंट कोई भी रोल प्ले करता नहीं है। तो जिस प्रोसेस में ये डिफ्यूजन करंट बनता है उसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोल देते हैं। अब डिफ्यूजन प्रोसेस होने के कारण क्या हुआ, ऐसी एक लेयर बन गई जिसके अंदर शॉर्टेज ऑफ चार्ज है यानी न्यूट्रल चार्ज है। तो ये लेयर के अंदर क्या है, न्यूट्रल चार्जेस है यानी शॉर्टेज ऑफ चार्जेस है। तो ऐसी जो लेयर बनी हमको मिली उसे हम बोल देंगे डिप्लेशन लेयर, जिसकी जो थिकनेस है वो हम डी मान के चल रहे हैं। अब ये जो डिप्लेशन हो गया, डिप्लेशन लेयर बन चुकी है, उसके कारण क्या होगा, एन टाइप में से नेगेटिव चार्ज चले गए यानी ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई, यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसी तरीके से पी टाइप में से क्या, होल चले गए यानी पॉजिटिव चार्ज चले गए, तो ये साइड बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमेशा। तो डिप्लेशन लेयर की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी डी डिस्टेंस पे, तो हमें पता है कि इक्वेशन वी इज इक्वल टू ई इंटू डी क्या बनेगा, एक पोटेंशियल बनेगा, एक पोटेंशियल बनेगा। और यहां पे जो पोटेंशियल बनने वाला है ये फील्ड की वजह से, वो क्या करेगा, वो करंट का अपोज करेगा। कैसे करंट का अपोज करेगा देख लेते हैं। ये फील्ड ये डायरेक्शन में बनी तो एन टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन ये डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप में नहीं आ सकेंगे, यानी कि करंट अब फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि यहां पे एक पोटेंशियल बना है, एक पोटेंशियल यानी कि बोल दो एक रुकावट पैदा हो चुकी है, यानी एक बैरियर बन चुका है जो बैरियर करंट के फ्लो को अपोज करेगा। सो ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल बैरियर बोल देंगे, वो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। यहां तक की कहानी सेम पिछले वीडियो की। अब आगे बढ़ते हैं कि
कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बायसिंग करेंगे इसका। बायसिंग करना यानी क्या कि कोई भी जो हमारा ये डायोड है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी हम क्या बोलते हैं, बायसिंग हो गया। सो व्हेन एनी डायोड इज कनेक्टेड विथ बैटरी देन दैट प्रोसेस इज नोन एज बायसिंग ऑफ डायोड। ये बायसिंग ऑफ डायोड हो चुका है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसे। अब बायसिंग के वापस दो टाइप आते हैं, फॉरवर्ड बायस जो पिछले वीडियो में देख लिया, अब यहां पे हम रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तो रिवर्स बायस यानी क्या कि हम ये जो डायोड है उससे बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कि नेगेटिव हमारा जो बैटरी का टर्मिनल है उसे हम पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसे हम एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, यानी इसके कनेक्शन लिख के रखे हैं कैसे हैं, इसके कनेक्शन होंगे हमारे माइनस प्लस और प्लस माइनस। माइनस प्लस यानी माइनस टर्मिनल बैटरी, पी टाइप यानी पॉजिटिव के साथ यानी माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस नेगेटिव क्या भी यानी माइनस, सो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया। यानी कैसे कनेक्शन किए हमने, रॉन्ग कनेक्शन किए। फॉरवर्ड बायस में क्या किया था, प्लस प्लस माइनस माइनस था, याद हो तो करेक्ट कनेक्शन थे। रिवर्स बायस में क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस कर दिया, यानी रॉन्ग कनेक्शन कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस बन गया, और रिवर्स बायस की वजह से क्या होगा, डायोड जो है वो हमारा एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से डायोड में से कुछ भी करंट का फ्लो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब करंट का फ्लो कैसे नहीं होगा अगर हमने रिवर्स बायस कर दिया तो वो देख लेते हैं पहले। तो अच्छा, तो यहां पे क्या होने वाला है कि जब हम ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिससे करके ये जो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे ये डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, जिसके करके ये जो लेयर है वो ये साइड शिफ्ट होना शुरू कर जाएगी। उसी तरीके से हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ये नेगेटिव होल्स में पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये सारे होल्स ये डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे करके ये जो लेयर है वो ये साइड शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू हुआ तब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगी एन टाइप से पी टाइप में जाने के लिए, इसका मतलब डायोड जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा और दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने ये बायसिंग नहीं किया था, बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी, तब इसका कुछ डिप्लेशन लेयर था, ये कुछ डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बना दी, यहाँ पे प्लस प्लस यानी ये हायर पोटेंशियल है, ये माइनस माइनस यानी लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा जब हम इसका रिवर्स बायसिंग करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, समझ में आ गया, ये प्लस अट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस अट्रैक्ट करेंगे, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। अब डिप्लेशन लेयर अगर बढ़ा तो यहां पे मैं डिप्लेशन लेयर बढ़ा रहा हूं, तो ऐसे करके कुछ नया डिप्लेशन लेयर मिला हमें, ऐसे करके कुछ नया डिप्लेशन लेयर मिल गया। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर तो बढ़ चुका है, डिप्लेशन लेयर बढ़ने के कारण क्या होगा, तो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, तो उसे दो तरीके से समझा जाता है। पहले तो हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, ये बैटरी का प्लस है माइनस है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा प्लस से लेके माइनस की ओर। ठीक है, अब रिवर्स बायस जब भी हम करते हैं तब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड बायस में क्या किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, रिवर्स बायस में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी सपोज करते हैं ये 8 है तो ये सेम डायरेक्शन में यानी प्लस 4 यानी 12 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ा तो। अच्छा दूसरी तरीके से समझते हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और आगे एक्सटेंड करते हैं, ये और आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो चुकी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है डिप्लेशन लेयर में वो भी बढ़ जाएगा। कैसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, तो वो भी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इसको आगे लाइन बढ़ाई, ये हमारा
प्लस यानी हाई पोटेंशियल, और यहां पे इंटरसेक्शन हुआ ये हमारा माइनस यानी लो पोटेंशियल, इसको एक्सटेंड करते हैं ठीक है आगे, और ये हमारा आगे एक्सटेंड हुआ। अब पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, इतना हो गया ठीक है। पहले कितना था पोटेंशियल बैरियर, पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, दोनों को आगे बढ़ाओ, ये वाला पहले कम पोटेंशियल बैरियर था, अब क्या हो गया पोटेंशियल बैरियर बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ा है इसमें, तो अगर आपको करंट फ्लो कराना है तब बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल की बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे जितना पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे, प्लस माइनस इंक्रीज करोगे, उतना ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, उतना ये होल यहां पे जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो करंट कब फ्लो होगा, यानी कि यहां पे हम मान के चलेंगे कि करंट कोई फ्लो होने वाला नहीं है, कोई करंट फ्लो होगा नहीं, डायोड एक्टिव है नहीं, एक्चुअल में करंट फ्लो होगा, लेकिन जब हम ज़ेनर डायोड पढ़ेंगे तब हम एवलांच इफेक्ट में ये सारी बातें करेंगे। ये टॉपिक में आपको इतना ही लिखना है, क्या लिखना है कि एज डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, एंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज, सो इफ यू वॉन्ट टू पास द करंट फ्रॉम दिस डायोड एट दैट टाइम यू रिक्वायर अ वेरी हाई पोटेंशियल बैटरी ठीक है, दैट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो ओके। तो यहां तक समझ में आपको आ गया। अब इसका जो सिंबल है डायोड का वो तो आपको पता है, ट्रायंगल और एक लाइन, पी टाइप एन टाइप लिख लो। अगर रिवर्स बायस बनाना है आपको, रिवर्स बायस तो सेम डायग्राम बनाओगे, लेकिन अब क्या करोगे, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को एनोड लिखते हैं, ये नेगेटिव को कैथोड लिखते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो चल जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस पीएन लिखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब इसका जो लास्ट पोर्शन है वो है इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फॉरवर्ड बायस में भी हमने देखी थी। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में हम लेंगे यहां पर ये आई आर मीन्स रिवर्स करंट जो इसमें से फ्लो होगा, अभी तो नहीं फ्लो हो रहा मान के चल रहे हैं, अगर फ्लो करना है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। और ये हो गया हमारा रिवर्स पोटेंशियल, ये जो हमने बैटरी लगाई है उसको बोलेंगे रिवर्स पोटेंशियल, क्यों, रॉन्ग कनेक्शन किए हैं ठीक है। ये नेगेटिव टाइप प्लस, ये नेगेटिव टर्मिनल ये प्लस, और ये पॉजिटिव टाइप ये नेगेटिव यानी माइनस ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ऐसे करंट जो हमारा है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, कांस्टेंट बनता जा रहा है। कांस्टेंट यानी किस में, माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर यानी 10^-6 में निग्लिजिबल करंट इसमें से फ्लो होगा। जब आप इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे धीरे धीरे तब निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है, बहुत ही निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन यहां पे आने वाला, निग्लिजिबल एकदम निग्लिजिबल ठीक है। अच्छा, अब निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन गए जिससे करके माइक्रोन्स में करंट फ्लो हो रहा है, और एक पोटेंशियल का वैल्यू ऐसा है, अब बढ़ाते बढ़ाते एक पोटेंशियल का वैल्यू ऐसा ले आए जिस पे करंट अब मिली एम्पियर में फ्लो हो रहा है, मिली एम्पियर यानी 10^-3, दोनों का डिफरेंस निकाले तो पॉजिटिव में आएगा, यानी 10^3 टाइम्स मोर करंट एक पोटेंशियल पे बढ़ रहा है, सडनली बढ़ रहा है ठीक है। तो ये पोटेंशियल जब करंट का फ्लो हम बोल सकते हैं जैसे कि जेन्युइन फ्लो हो रहा है, हम देख सकते हैं ऐसा फ्लो करना शुरू हो जाए जब करंट, तब वो पोटेंशियल को हम बोल देंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और करंट का फ्लो फिर बढ़ता चला जाएगा। ये हम एवलांच इफेक्ट में डिटेल में देखेंगे, ये टॉपिक में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है क्या कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या फिर वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल एट विच करंट फ्लो इज सडनली इंक्रीज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जहां तक करंट ये कॉन्स्टेंट रह रहा है उसे हम बोल देंगे रिवर्स सैचुरेटेड करंट, रिवर्स सैचुरेटेड करंट। तो ये टॉपिक में आपको यहां तक एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ने की आपको मजा आ रही है तो जरूर से मुझे फीडबैक में बता दीजिएगा कमेंट करके, अगर नहीं आ रही है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा कि जिससे करके मुझे समझ में आए कि आगे ये सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।